चलिए तो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने चल रहे हैं अभी। इसका जो HHM का आपका क्लास हुआ है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं। और हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन BC में जो लास्ट पार्ट आपका चैप्टर नंबर 3 का रह गया था, चैप्टर 3 का जो लास्ट रह गया था पार्ट ऑफ फार्म वर्क, यानी कि फार्म वर्क क्या होता है, फार्माबंदी जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये तो BTUP के एग्जाम में बहुत कम पूछता है, बट साइड पर बहुत इसका इंपॉर्टेंस रोल है, इंटरव्यू में भी पूछता है, ठीक है। फार्म वर्क में आपका दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका शटरिंग होता है, दूसरा आपका सेंटरिंग होता है। तो शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका एकदम 3D फिगर से विजिबल आपको करवाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग पूछ भी लेते हैं कि शटरिंग क्या होता है और सेंटरिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है सर। उसके पहले अगर आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, एक बार इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आ गया फिनिश। कल से नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 यानी कि 4 या 5 है, जो भी इसमें 4 5 दोनों इंक्लूड है, तो 4 या 5 वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लियर। चलिए अब इसको समझ लीजिए। कंक्रीट प्रारंभिक अवस्था में एक सुघट पदार्थ है, यानी प्लास्टिक मटेरियल होता है, जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, ठीक है। कंक्रीट को ढालने के समय से लेकर जब तक उसमें स्वयं का भार सहन करने की क्षमता नहीं आ जाती, तब तक उसे एक अस्थायी सहारे की ज़रूरत होती है। समझ में आया, यानी कि जो कंक्रीट होता है एक सुघट मटेरियल होता है, यानी प्लास्टिक में, उसको किसी भी शेप में आप कंक्रीट को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जिस भी शेप में आपको डालना होगा, एक सांचा उस शेप का चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि जिस भी शेप में आपको अगर स्लैब बनाना है, तो स्लैब का आपका सांचा उसको चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉलम बनाना है, तो कॉलम का सांचा चाहिए। तो कंक्रीट को जिस भी शेप में आप देना चाहें, तो उस शेप में आप दे सकते हैं। तो उस शेप देने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें पड़ती हैं, इसे अस्थायी व्यवस्था को फर्माबंदी कहते हैं, तो या तख्ताबंदी कहते हैं। तो जो अस्थायी व्यवस्था करेंगे शेप देने के लिए कंक्रीट को, उसी को हम बोलते हैं फर्माबंदी बोलते हैं, ठीक है, फार्म वर्क इसको बोलते हैं। तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला जो चीज़ होती है आपका शटरिंग, जिसको हम बोलते हैं सांचा। दूसरा जो चीज़ हो आपका दूसरा जो सेकेंड जो चीज़ है वो सॉरी दूसरा जो आपका कौन सा है, दूसरा आपका क्या है, सेंटरिंग। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कभी एकदम डाउट ही क्लियर ही नहीं पाता कि शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है। अब यहाँ पर शटरिंग की बात करिए, मतलब सांचा। तो जो शटरिंग होता है, अगर आपको कंक्रीट को जो भी शेप आपको देना है, ठीक है, उस शेप में देने के लिए आपको कौन सा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सांचा की। यानी कि जब मान लीजिए आपको कॉलम बनाना है, तो कॉलम की सांचा चाहिए, यानी कि कॉलम की शटरिंग। लेकिन आपको स्लैब बनाना है, छत बनाना है, तो उसके लिए आपको सांचा किसकी चाहिए, छत की। तो छत में जो आपका हॉरिजेंटल मेंबर होता है, जैसे मान लीजिए छत की आपको पोस्टिंग करना है, ढलाइया करना है, ठीक है, तो उसमें जो हॉरिजेंटल मेंबर होता है, जैसे प्लाई लगाते हैं, वो गाँव में पहले पटरा यूज करते थे, लेकिन अब प्लाई हो गया है, ठीक है। तो प्लाई यूज करते थे, क्या है, प्लाई शटरिंग है, ठीक है, प्लाई। लेकिन प्लाई कैसे छत पर टिकेगा, छत जो आपको कॉस्टिंग करना है, छत की डलाई है, तो प्लाई कैसे ऊपर टिकेगा, नीचे से आपको क्या है, टेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे से वर्टिकल मेंबर तो लगाना पड़ेगा। इसी वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं, क्लियर। इसी वर्टिकल जो मेंबर है, जो वर्टिकल मेंबर पे आपका शट यानी कि शटरिंग यानी जो सांचा रुकता है, यानी जो सांचा होता है वर्टिकल मेंबर पर जिस पे भी रुकता है, यानी कि जो नीचे से सपोर्ट लगा रहता है, उसी को बोलते हैं सेंटरिंग बोलते हैं, क्लियर। फिगर से आप समझें, अगर देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे। प्रेशर जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जब जाते हैं किसी कंपनी में, तो पहला आपका क्वेश्चन यही होता है कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्म वर्क से, तो शटरिंग और सेंटरिंग यही पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, ये पुराना मतलब गाँव के घर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी कास्टिंग होने वाली है स्लैब की, यानी कि स्लैब की ढलैया होने वाली है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक थोक लगा हुआ है, ये वर्टिकल थोक लगा हुआ है, वर्टिकल मेंबर, जिस पे आपका क्या है, ये पूरा आपका जो स्लैब का फॉर्म है, यानी कि इसी पे स्लैब ढलेगा, ठीक है, यानी कि पटरा आपका हॉरिजॉन्टल बिछा हुआ है, ठीक है, इस पे आपका क्या है, कंक्रीट का स्लैब बनेगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये आपका क्या है, सेंटरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं, ठीक है।
और शटरिंग क्या होता है, नाम में सिर्फ डिफरेंस है। शटरिंग ये ऊपर वाला जो सांचा आपको दिख रहा है हॉरिजेंटल जो बिछा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो बिछा हुआ पूरा समतल प्लेन में उस पर आपको छत बनेगा उसी को बोलते हैं शटरिंग बोलते हैं। क्लियर क्लियर है ना, ये बात क्लियर। अब दूसरी फिगर की मदद से अगर समझे, ये भी दो प्रकार की होती है आपका, एक तो लकड़ी का हो गया, ठीक है, एक आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको जो लगा है ये सब सेंटरिंग है, सभी क्या है ये सेंटरिंग है, जितनी आपकी बांस की ठोक लगी है, ठीक है, और ये शटरिंग आपकी है जो बिछा हुआ है यहाँ पर, ये आपका क्या बिछा हुआ है, इसी पे आपको क्या है स्लैब की कास्टिंग होनी है, ठीक है, तो ये आपका क्या है शटरिंग है। क्लियर, ये आपकी शटरिंग है, ठीक, यानी कि जिस पे आपका क्या है छत ढलाया जाता है, छत मतलब जो प्लाई बिछाया जाता है छत पर वही आपकी क्या है शटरिंग है प्लाई। क्लियर, दो प्रकार की होती है, एक आपका क्या स्टील का भी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह सब कुछ है। यहाँ पर देखिए ये जो साइड से स्लोब, ये शटरिंग क्या है इसमें, इसमें ये वाला शटरिंग है, ये वाला शटरिंग है, और इसमें क्या है ये जो टेक लगा हुआ है, ठीक है, ये टेकबंदी के अंतर्गत भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि शटरिंग दो प्रकार की होती है, शटरिंग एक तो आपका लोहे की हो गई, माइल्ड स्टील की हो सकती है, पहला तो आपको माइल्ड स्टील का, पहले जो बेसिकली यूज होता था लकड़ी का, लकड़ी का यानी कि ठीक है लकड़ी का यूज होता था लकड़ी, तो लकड़ी में हम लोग पहले आपको दिखाए भी हैं कि लकड़ी जो क्या था यही आपका लकड़ी का है, यानी कि इसमें बांस की जो लकड़ियां हैं यूज हो रही हैं, ठीक है, सेंटरिंग में भी और शटरिंग में भी। तो क्लियर हुआ ना, ये जितना वर्टिकल मेंबर है यानी ऊर्ध्वाधर जितने भी मेंबर हैं जो थोक हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपके सेंटरिंग है, और ये जो हॉरिजेंटल मेंबर हैं जो प्लाई होती है या पटरा जो हॉरिजेंटल छत पर बिछी रहती है और उस पर कंक्रीट फिर ढलैया होता है उसी को बोलते हैं शटरिंग बोलते हैं। क्लियर, शटरिंग पे भी आपका कंक्रीट यानी छत रुका रहता है, और ये किसकी मदद से रुका रहता है, सेंटरिंग की मदद से, यानी कि जो वर्टिकल थोक है। क्लियर, तो एक लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो उपयोग किया गया है स्टील का उपयोग किया है, माइल्ड स्टील का। तो दो तरह की होती हैं शटरिंग, फॉर्मवर्क दो तरह से होता है, एक लकड़ी का होता है एक, और अब तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री हैं वो क्या माइल्ड स्टील का होती हैं। क्लियर, तो माइल्ड स्टील का प्रयोग कर रही हैं, और गांव में तो अभी भी लकड़ी का उपयोग हो रहा है, कहीं कहीं माइल्ड स्टील का उपयोग हो जा रहा है। क्लियर, आइयो बाबू पूरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है, अब आपको अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से लिखना आइए जानते हैं। क्लियर है, बात क्लियर है। तो शटरिंग क्या हो गया, ये दो प्रकार की होती है, फॉर्म वर्क आपका एक शटरिंग होगी, दूसरा आपका सेंटरिंग होगा। अब शटरिंग क्या, कंक्रीट के अवयव को आकार देने का जो घटक होता है सांचा जो होता है उसी को बोलते हैं शटरिंग। तो शटरिंग के उपयोग में क्या है, जिससे आपका छत का कास्टिंग हो, तो जो प्लाई होता है छत बनाने के लिए नीचे प्लाई लगाते हैं या तो जो पटरा बिछाते हैं वही आपका क्या है शटरिंग है, और आपको फिगर से क्लियर भी होगा। सेंटरिंग क्या है, सेंटरिंग सांचों की ऊंचाई पर टिकाने के लिए लगाए गए ऊर्ध्वाधर तिरछे घटक आपको क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है। तो जो ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं सांचों को ऊपर ऊंचाई पर टिकाने के लिए वही आपका सेंटरिंग है, आपको फिगर से दिखाए भी हैं। क्लियर हो रहा है, अगर चीज़ें अच्छी लग रही तो एक बार लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत से अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाया जा रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। काफ़ी बेसिकली कोई भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, आई होप आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। अब और ये क्या है, फॉर्म वर्क आपको दो प्रकार की होती है, फॉर्मबंदी एक तो हम बताए हैं आपको लकड़ी की होती है जो गांव में बेसिकली यूज होता है, और एक इस्पात की होती है माइल्ड स्टील की बोलते हैं। क्लियर, एक स्टील की होती है, ठीक है, लोहे की, और एक लकड़ी की होती है। तो ये हैं आपकी पूरी चीज़ें, अब एक पूरा फिनिश हो गया, तो लकड़ी का भी दिखा दिए और स्टील का भी दिखा दिए आपको, और कहाँ यूज होता है ये भी बता दिए। क्लियर, तो ये आप चैप्टर नंबर आपका फोर तक ये फिनिश होता है, चैप्टर नंबर फोर तक, भले ही उसमें हेडिंग मतलब तीन ही तक दिखा रहा है टॉपिक में, लेकिन ये फोर तक उसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। कल से नेक्स्ट चैप्टर का इसके देखेंगे, जो भी फोर में जो भी टॉपिक छूटा है उसको कवर करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर, और जिनको भी नोट्स लेना है ना उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ इसमें नोट्स में स्पेशल व्यवस्था ये है कि इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, तो सीधे व्हाट्सअप में चले जाएंगे, यहाँ वीडियो में चले जाएंगे, वो व्हाट्सअप में क्लिक चले जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स लेना है ना इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621164173 पर, प्राइम मेंबरशिप है, जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हैं नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर, चलिए और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा इसका भी बारे में कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।